नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, फटी एड़ियां। दोस्तों, अमूमन देखा यह गया है कि इस तरह की समस्या यानी एड़ियों का फटना लगभग 30 साल की उम्र के बाद ही दिखाई पड़ता है। मगर दोस्तों, मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो या तो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर उस तरह के इलाकों में रहते हैं जहां ज्यादा गंदगी हो, उनकी जो एड़ियां है वो मैंने 22-24 साल की उम्र में भी देखा है कि इस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका क्या इलाज है? दोस्तों, इसका तो ऐसे तो काफी सारे क्रीम अवेलेबल है, जैसे क्रैक क्रीम है, जो कि दावा करते हैं कि ये आपकी एड़ियों को फटाफट ठीक कर देते हैं। मगर दोस्तों, मैंने देखा है कि जब आप थोड़ी अर्ली एज में चले जाते हैं यानी कि 40s-50s में, तो ये क्रीम्स जो हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने कि हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप तो जानते ही हैं, मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो कि इफेक्टिव होने के साथ साथ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा हालांकि मेरा खुद का नहीं है, ये मेरी दादी माँ का नुस्खा है और ये नुस्खा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, खासकर जब आप 30-40s में इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे नायाब नुस्खे देखने और सीखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नुस्खे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के नुस्खे में हम प्रयोग करेंगे मोम और सरसों तेल का। जी हाँ दोस्तों, मोम आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए मैं बताता हूँ कि इस नुस्खे को आखिर बनाना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले आपको सरसों का जो तेल होता है उसको गर्म करना है। जब वो सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो जो उसमें आपके पास जो मोम या मोमबत्ती जो भी अवेलेबल है उसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको तोड़ भी सकते हैं किसी पत्थर की मदद से, उसको उस गर्म तेल में डाल देना है। जब आप उस गर्म तेल में उसको डाल देंगे तो वो थोड़ा सा पिघलता हुआ हो जाएगा और वो उस तेल में मिक्स हो जाएगा, जब वो तेल गर्म होगा तो। जब दोस्तों वो तेल ठंडा हो जाए, मिक्स कर लें उसको अच्छी तरीके से, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो एक जेली नुमा, जैसा कि वैसलीन वगैरह होता है, वैसा बन जाएगा। दोस्तों, मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट ठंडा होने दें। जब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 मिनट, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये एक जेली नुमा बन जाएगा, जैसे कि वैसलीन वगैरह होता है। अब आपका ये नुस्खा बनके तैयार है। अब दोस्तों, आप इस नुस्खे को अपनी जो फटी एरिया हैं या फिर जो भी इफेक्टिव एरियाज हैं उस पर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे रब करें और मलें, जैसे कि आप दूसरे क्रीम्स लगाते हैं। दोस्तों, 2-3 बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क तुरंत नजर आने लगेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो महंगी क्रीम्स हैं उनके मुकाबले ये नुस्खा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस नुस्खे को करके देखें, घरेलू नुस्खा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और अपनी फटी एड़ियों को ठीक करें, और जो रिजल्ट हो वो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और नायाब नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।